किया था हमने। पिछली बार ये वाला नया डाला था, इसी का भी हमने ऑर्डर किया था। बाकी के टायरों को मतलब बहुत टाइम हो गया कि हमने गाड़ी को पाउडर नहीं किया टायरों को। देख सकते हो अपनी छोटी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, चार साथ एयर फिल्टर खोल रहे हैं इसका। ये दो तीन दिन हो गए हमने इसकी सर्विस की है, ऑयल वगैरह चेंज करके हाफ ग्रीस वगैरह सब हो चुका है, तो बस इसको थोड़ा सर्विस करेंगे, इंजन वगैरह अच्छे से पानी मारेंगे इंजन पे, पूरी सर्विस करेंगे गाड़ी की और इसको भी ग्रीस वगैरह करेंगे। तो खोलते एयर फिल्टर को, ये भी बदल मतलब बहुत दिन हो गए इसको चेंज नहीं किया हुआ, इसको भी चेंज करना है। क्या ही करें यार, काफ़ी खर्चे बढ़ गए, अब एक गाड़ी का कुछ मतलब खर्चा संभाल नहीं जाते तो और दूसरी का कुछ निकल आता है, क्या ही कर सकते हैं। BS6 के मुकाबले पुराने गाड़ियों का फिल्टर जो था वो थोड़ा सस्ता ही है, ज़्यादा नहीं होगा मेरे, फिर भी ये 800-900 रुपये के लगभग रहेगा, BS6 गाड़ियों का तो काफ़ी महंगा है। और उस साइड का भी एक 5 टायर है, 5 टायरों को हम खोल के पंप करके अंदर मार देंगे और चलिए। और आगे का तो आपको पता ही है, आगे के टायर हमने अभी नए डाले थे, उसका तो पाउडर हो चुका है। टायर का प्रेशर निकलेगा, उससे प्रेशर से क्लियर को, एयर क्लियर को हम अच्छे से साफ कर लेंगे फिल्टर को, और फिर यानी मतलब वॉश हो जाएगी, ग्रीस वगैरह करेंगे। तो चलिए हम अब निकलते हैं घर के लिए, काफ़ी भूख लगी, अब घर पे जाके खाना वगैरह खाएंगे और फिर सब काम होने के बाद वापस आ जाएंगे गाड़ी लेने। तो चलिए निकलते हैं, अब बाइक तो है अपने पास जाने के लिए। लेके निकलते हैं घर के लिए, भूख लगी है, खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, जैसे गाड़ी का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। चलिए गाइस निकलते हैं, गाड़ी तो फाइनली गाइस हम गाड़ी के पास जा रहे हैं, गाड़ी का काम अपना कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे साथ कौन आया देख सकते हो, नैनू, हेलो कर भाई, हेलो हेलो, हमारे साथ मैनो आई है, जिद कर रही थी पप्पा मुझे आना है आपके साथ। चलो कभी कभी बच्चों को बाहर घुमाना भी पड़ता है। हेलो कर, हेलो जरा लालू दरा। तो चलो गाइस मिलते हैं गाड़ी के पास जाकर, हेलो हम गाड़ी के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं अपनी गाड़ी पीछे, तो गाड़ी के अब देख सकते हो आप टायर अपनी गाड़ी के अंदर बाहर कर दिए, उसको पाउडर भी हो गया है। तो देख सकते हो यार मतलब ये टायर हमें घर पे जाके फिर वॉश करने पड़ेंगे, फिर से घर पे जाके थोड़ा वॉश करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बाहर से पूरे गंदे दिख रहे हैं, अब उस साइड का भी वही हाल होगा। चलिए नो, गुड नहीं अभी। तो चलिए गाइस अपना हो चुका है काम, तब उस साइड में अपनी 4-7 लगी हुई है और उसका भी सर्विस हो चुकी है, ग्रीस हो चुकी है, पेमेंट वगैरह करके हम निकलते हैं अब यहाँ से। तो फाइनली गाइस अपनी गाड़ी, अपने दोनों गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, अपनी गाड़ी के टायर वगैरह मतलब पाउडर वगैरह मार के, पल्टी मार के सब हो चुका है। तो चलिए निकलते हैं अभी हम यहाँ से, देख सकते हो पिक मेरी गुड़िया चिप्स खा रही है। अरे पापा काय गलती, तू चिप्स खा रही है, बहुत नखरे कर रही है गाड़ी में जाने के बाद, उसके मतलब
उसे बहुत ही मजा आता है। चलो चेंज अपनी इस गाड़ी का और वो गाड़ी का भी हम कूलेंट चेंज करेंगे। तो आज हम करेंगे, अब वो गाड़ी का कूलेंट निकाल के इसमें डालेंगे और इसका पानी, इसमें पानी था तो इसको छोड़ देंगे बाहर। देख सकते हो यहाँ पर लगा दिया हमने प्रेशर। दस ना इधर किधर क्या शिव ब्याह लिखा था। उसका पानी हमने छोड़ दिया है तो अब इसका पानी हम छोड़ेंगे। तो हमने 3 लीटर का कैन लेके आए थे तो रखा हुआ है, टाटा का लेके आए हम, ले लेने का नहीं है, टाटा का है। तो चलिए इसका खोलते हैं कूलेंट, खाली इधर ही साइड में है तो इसको छोड़ देंगे। 1 साल हो चुका है गाइस अपनी गाड़ी में कूलेंट चेंज नहीं हुआ है। ढक्कन को तो हमने पूरे कूलेंट से नहा चुके हम लोग। हम चलिए थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी का कूलेंट हमने छोड़ दिया है। देख सकते हो अपने कूलेंट का क्या हाल हो चुका है। ये देख सकते हो पूरा मतलब लाल कलर का होता है, इसका कलर चेंज हो चुका है। और जब हमने प्रेशर मारा तो ये देख सकते हो इसमें मतलब इसमें मिट्टी आ चुकी है, मतलब मिट्टी वाला एकदम, जैसे मिट्टी डाली है इसमें ऐसा पानी हो चुका है। ये देख सकते हो 1 साल में कंपनी का कूलेंट था, ये 1 साल हो चुका है, 1 साल हो मतलब हो 1 साल
क्रॉस हो चुका है, तो एक साल में इसका हाल ये हुआ है। तो भाई हम क्या करते हैं, नई गाड़ी है समझकर नई शोरूम की गाड़ी, इस चक्कर में कूलन हम चेंज नहीं करते। और मतलब मेरे साथ भी एक बार हुआ है, और ये मतलब रेडिएटर वगैरह चौकअप कर देता है गंदा पानी। अब मेरे मतलब दूसरे आइशर का भी मेरे साथ ऐसा ही हाल हो चुका था, मैंने भी नई गाड़ी इस चक्कर में मैंने चेंज नहीं किया, और एक दिन ऐसे हो गया ना, पानी ख़राब होने के कारण पूरा रेडिएटर चौकअप हो गया, तो मेरे को रेडिएटर मतलब चौकअप वगैरह निकालना पड़ा, काफ़ी नुकसान हो गया उसका। तो चलिए अब डालते हैं इसमें कूलेंट। तो गाइस इसको निप्पल को हम लगा देते हैं नीचे, और तो गाइस टाइम पे फिल्टर पानी की गाड़ी आ चुकी है, तो हम लेते हैं उसमें डालने के लिए फिल्टर पानी। हम कूलेंट डालेंगे ये वाला, देख सकते हो टाटा का ये कूलेंट है ओरिजिनल। फिल्टर का पानी भी आ चुका है हमने, मतलब तुरंत फिल्टर वाली पानी की गाड़ी भी आ चुकी थी, तो हम इसको अब करते हैं फिल। अभी बराबर मिनिमम जो है ना उसकी मैक्सिमम के हिसाब से इसको हम कूलेंट डालेंगे हम इसको। तो ये गाइस, तो निकल चुके हम घर से, तो देख सकते हो निकल चुके हम घर से यहाँ से, तो अपना सफर हो चुका है पंजाब के लिए स्टार्ट। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके नासिक के आगे धर्मपुर पेट वाले रोड पे, आ चुके बॉर्डर पे मतलब आरटीओ चेक पोस्ट पे। ये महाराष्ट्र का आरटीओ चेक पोस्ट है, देख सकते हो आप। तो घर से निकलने के बाद हमने यहीं पे अपना ब्लॉग मतलब वीडियो उठाया है। चलिए गाइस आ चुके बॉर्डर पे, महाराष्ट्र का बॉर्डर ये नासिक के आगे, तो चलिए आते हैं इन लोगों को, ये देखिए। गाइस हम चढ़ावा देकर आ चुके, इसको चढ़ावा ही बोलना पड़ेगा। ओके कपराड़ा घाट में, तो कपराड़ा गांव नीचे घाट के नीचे पड़ता है। अरे बाप रे, यहाँ पर एक ट्रक देख सकते हो यार, कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया इधर। कौन सी गाड़ी है यार, गाड़ी कौन सी है, पतरा लोड किया हुआ है, मुझे लगता है 10 चक्की गाड़ी है वो, पतरा लोड किया है। पतरा तो पूना से ही आता है, यवत सोलापुर वाला हाईवे जो पड़ता है, यवत के आसपास ही लोड होता है पतरा पूना से। अहमदाबाद की बहुत सारी है गाड़ी, क्योंकि मेरा दोस्त एक काम करता है वहाँ पे। यार फिर तो गाड़ी अपनी पूना की है, काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है भाई। उतर रहे अब आराम से घाट, देख सकते हैं अपना आरपीएम का पेंट लगाया हुआ है, इंजन कंट्रोल तक स्टार्ट हो चुका है अपना। तो चलिए अब आ जाएगा, आ चुका है प्लेन रोड। चुके कपराड़ा में, घाट क्रॉस करके नीचे आ चुका हूँ मैं। तो चलो यार मैं चाय नासिक में, तो अब पीते बाहर मतलब चाय पीते यार, काफी मतलब ऐसे
को आ रहा है, नींद आने जैसी फीलिंग हो चुकी है, तो हम तो हाईवे पे जाके रुकेंगे। यहाँ पे रुकेंगे ना तो पूरा मतलब यहाँ से जो हाईवे तक जाने वाला रोड है ना, काफ़ी मतलब बहुत रश होता है यार, बहुत ट्रैफिक लग जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलिए पीते आते चाय पी के, हम पुनः अपना घर मुंबई अहमदाबाद वाले हाईवे पे लग चुके हैं। तो हम आए थे मतलब जल्दी क्यों लगे, ताकि हमने कपराड़ा से सीधा नाना पोंडा से हमने रोड लिया पार्टी वाला, इसलिए जल्दी पहुंच गए। हम धर्मपुर वाले रोड पे गए नहीं, हम पार्टी वाले रोड से आए, इसलिए हम थोड़ा हाईवे पे जल्दी आ गए। देख सकते हो बाहर का व्यू, तो चलिए गाइस जी इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।